ब्रजभूमि में एक जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था। जंगल के किनारे ही एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक 7 साल के बच्चे अपनी दादी माँ के साथ रहा करती थी, जिसका नाम दादी माँ ने बड़े प्यार से ही चंदा रखा हुआ था। चंदा का उसकी दादी माँ के अलावा कोई और नहीं था। उस बूढ़ी दादी माँ के पास कोई भी कमाई का साधन नहीं था। वह जंगल जाती और लकड़ियां बिनकर उन्हें बेचती और जो भी उनसे मिलता उसी से वह अपना गुजारा चलाती। चंदा अपनी दादी माँ के साथ बहुत खुश रहती, लेकिन एक बात उसे बहुत दुखी करती थी कि उसका कोई भाई या बहन नहीं थे। गांव के बच्चे उसे इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते थे, उसे अपने साथ खेलने भी नहीं देते थे। वह इस बात से बहुत दुखी रहती थी। वह एक बार अपनी दादी माँ से पूछती है कि उसका कोई भाई क्यों नहीं है। तब उसकी दादी माँ ने बड़े प्रेम से बोला, कौन कहता है कि तेरा कोई भाई नहीं है? वह है ना कृष्ण कन्हैया, वही तेरा भाई है। ऐसा बोलकर दादी माँ लड्डू गोपाल की ओर इशारा कर देती। चंदा की झोपड़ी में एक पुरानी से किंतु बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी। चंदा की दादी माँ उनकी बड़े मन से सेवा किया करती और बहुत ही प्रेम से जो रूखा सूखा उनके पास होता उसका भोग लगा देती। चंदा भी भोलेपन में लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी और वह दुखी होती तो लड्डू गोपाल के सामने बैठकर उनसे बात करने लगती और कहती, भाई तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते? सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। तुम मुझसे रूठ गए हो क्या जो एक बार भी घर नहीं आते हो? मैंने तो तुमको कभी नहीं देखा है। अपनी बाल कल्पनाओं में खोई हुई चंदा लड्डू गोपाल से अपने मन का सारा दुख कह देती। चंदा का प्रेम निश्चल था, वह अपने भाई को पुकारती थी। उसके प्रेम के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते थे, किंतु उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन चंदा ने अपनी दादी माँ से पूछा कि दादी मेरे भाई घर क्यों नहीं आते, वह कहाँ रहते हैं? तब दादी माँ ने उसे टालने के लिए ये कह दिया कि तेरा भाई जंगल में रहता है, एक दिन वह जरूर आएगा। तब चंदा ने पूछा, क्या उसको जंगल में डर नहीं लगता है? वह जंगल में क्यों रहता है दादी माँ? तब दादी माँ ने उत्तर दिया, वह किसी से नहीं डरता है, उसको गांव में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह जंगल में रहता है। धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन पास आने लगा। गांव में सभी लड़कियों ने अपने भाइयों के लिए राखी खरीदी। वह चंदा को चिढ़ाने लगी कि तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू किसे राखी बांधेगी? अब चंदा का सब्र टूट गया, वह घर आकर जोर जोर से रोने लगी। दादी माँ के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब उसकी दादी माँ ने उसे प्यार से समझाया कि बेटी तू रो मत, तेरा भाई जरूर आएगा। लेकिन चंदा का रोना नहीं रुका और वह लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास जाकर उनसे लिपट कर रोने लगी और बोली, भाई तुम क्यों नहीं आते? सब भाई अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं। उधर गोविंद भी चंदा के चेष्टाओं के साक्षी बन रहे थे। रोते रोते चंदा को याद आया कि दादी माँ ने कहा था कि भाई जंगल में रहता है। बस फिर क्या था, दादी माँ को बिना बताए नंगे पाँव ही दौड़ पड़ी और उसने मन में ठान लिया था कि आज वह अपने भाई को लेकर ही आएगी। जंगल की कांटों भरी राह पर वह मासूम सिर्फ दौड़ी जा रही थी। श्री कृष्ण उसके साक्षी बन रहे थे। तभी श्री कृष्ण पीड़ा से कराह उठे और उनके पाँव से भी रक्त बह निकला। आखिर हो भी क्यों ना, श्री हरि का कोई भक्त पीड़ा में हो और वह भगवान को पीड़ा ना हो, ऐसा कैसे संभव है? जंगल में नन्ही चंदा के पाँव में कांटा लगा तो भगवान भी पीड़ा से कराह उठे। उधर चंदा के पैर से भी रक्त बह निकला और वह वहीं बैठकर रोने लगी। तभी भगवान ने अपने पैरों पर भी उसी स्थान पर हाथ फेरा जहाँ कांटा लगा था। पलक झपकते ही चंदा के पाँव से रक्त बहना बंद हो गया और दर्द भी नहीं रहा और वह जंगल की ओर फिर से दौड़ पड़ी। इस बार उसका पाँव
कांटों से छन्नी हो गया। लेकिन वह नन्ही बच्ची डरती रही। उसको अपने भाई के पास जाना था। एक स्थान पर वह थक कर रुक गई और रो रो कर पुकारने लगी, भाई तुम कहाँ हो और तुम आते क्यों नहीं? अब श्री कृष्ण गोविंद के लिए एक पल भी रुकना कठिन था। वह तुरंत उठे और एक 11 से 12 वर्ष के सुंदर बालक का रूप धारण करके चंदा के पास आ गए। उधर चंदा थक कर बैठ गई थी और सिर झुकाकर रोई जा रही थी। फिर उसके सिर पे किसी ने हाथ रखा और वह आवाज सुनाई दी, मैं आ गया मेरी बहन, अब तुम मत रो। चंदा ने सर उठाकर देखा और पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो? तब उसे उत्तर मिला, हाँ चंदा, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। सुनते ही चंदा अपने भाई से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। तब भक्त और भगवान के बीच की भक्ति भाव का एक अनोखा दृश्य उत्पन्न हुआ। भगवान वही धरती पर बैठ गए। अपने नन्नी चंदा के कोमल पैरों को अपने हाथ में लिया और उन्हें प्रेम से देखा। वह बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। बहन भाई को पाने की खुशी में रो रही थी और भगवान भक्त के कष्ट को देखकर रो रहे थे। श्री हरि ने अपने हाथों से चंदा के पैरों में चुभे एक एक कांटो बड़े प्रेम से निकाला और उसके पैरों पर अपने हाथों का स्पर्श किया। पल भर में सभी कष्ट दूर हो गए। चंदा अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं भी तुम्हें राखी बांधूंगी।